नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शोम एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम फिजिक्स लेक्चर नंबर सेकंड कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आरआरबी जेई के लिए दोस्तों फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी चीज़ें स्किप मत करना, बिकॉज सभी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ओम्स लॉ। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। क्या होता है दोस्तों ओम्स लॉ? देखो, यहाँ पर एक सर हैं ओम्स, ये साइंटिस्ट का नाम है ओम। इन्होंने अपना एक लॉ दिया रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। ये लॉ क्या था? ये लॉ था दोस्तों, जो भी अभी तक हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, इसको बोला इन्होंने ओम्स लॉ। यही दोस्तों ओम्स लॉ होगा। अब देखो, हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना होता है, समानुपाती चिन्ह को हटाना होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसकी जगह को एक कांस्टेंट लाएंगे। तो यहाँ कांस्टेंट हम क्या लाते हैं? वी इक्वल टू आर इंटू आई। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी चीजों को हम कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं, वी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई को बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, और आर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप सभी समझते होंगे एक टाइप की रुकावट होती है। तो करंट के पाथ में जो रुकावट आती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये आपने ध्यान रखना है। इसका यूनिट हो जाएगा ओम। सिंबल सिंबल होगा दोस्तों कुछ इस टाइप से। और इसका जो दूसरा यूनिट होता है दोस्तों उसको बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। कैसे? देखो, अभी हमने देखा वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आर हो जाएगा दोस्तों वी अपॉन आई। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट होता है वोल्ट, और आई एम्पियर, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो पूछ सकता है कि ओम किसके इक्वल होता है? आपने ध्यान रखना है ओम किसके इक्वल होता है? ओम होता है दोस्तों वोल्ट पर एम्पियर। चलिए बात करेंगे कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्तों जिन पर रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस लिखेंगे, ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब देखो, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कैरी करता है। इट मीन्स हम वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, समझो वायर है, कोई सर्किट है, तो उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। तो ये मटेरियल के बने होंगे और उसका कोई लेंथ भी होगा, तो हम लेंथ की बात करेंगे कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, ये है वायर। ठीक है, अब इसका लेंथ हमने लिया है एल। तो अभी हमने बोला दोस्तों रेजिस्टेंस एक टाइप का क्या होता है दोस्तों? डिस्टरबेंस होता है, रुकावट होती है। तो जितना ज़्यादा लंबाई होगी किसी भी कंडक्टर की, उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रेजिस्टेंस लगेगा उससे ज़्यादा दोस्तों रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, क्योंकि तो इतनी लेंथ कवर कर रहा है, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एक तो ये रिलेशन हुआ फर्स्ट। बात करेंगे दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? अब देखो,
यह है दोस्तों A1 और यह है A2। अब आप बताएंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अंदर जाएंगे, मतलब कि किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है इसका एरिया बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, चार्ज ज़्यादा पास होगा, इट मीन्स आई भी ज़्यादा होगा। आई ज़्यादा होने से, मतलब मैं इसके कंपेरिजन में बात कर रहा हूँ, आई के ज़्यादा होने से दोस्तों आर क्या हो जाएगा, आर कम हो जाएगा, क्योंकि वी आपका आई सॉरी आर होता है वी अपॉन आई। तो जैसे आई ज़्यादा होगा आर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही उसका आर कम होगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब आर क्या होता है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब जिस भी मटेरियल का कंडक्टर बना है उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखो दोस्तों यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज ये सबसे कम रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसके पास सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद आएगा गोल्ड, देन आएगा दोस्तों कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन मरकरी। पूछ सकता है मरकरी में इलेक्ट्रिसिटी मतलब मरकरी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है? बिल्कुल करता है दोस्तों। स्टील, आयरन एंड सी वाटर, ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे कंडक्टर के, और इनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। चलिए बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ध्यान देना है। अगर दोस्तों कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर लीनियरली, मतलब कि लीनियर वे में, इस टाइप से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीनियरली दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर, या इधर ले लो या इधर ले लो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि लीनियर वे में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसकी बात की हमने? कंडक्टर की। क्यों? क्योंकि देखो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड होगा, क्राउड्स होगा मतलब कि कुछ इस टाइप से होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इनको दोस्तों हीट मिलेगी, एनर्जी पाके, ये रैंडम पाथ पर फ्लो करेंगे, इस टाइप से रैंडम पाथ पर फ्लो करेंगे और आपस में दोस्तों ये कोलैप्स करते हैं, टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आई जो है, जो कि होता है क्यू अपॉन टी, ये दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आई को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? जब आई कम होगा दोस्तों तो R इक्वल टू होता है V अपॉन I, I कम होगा R अपने आप बढ़ जाएगा। ये बात हुई दोस्तों कंडक्टर की, इसमें मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर दोस्तों वे होते हैं जो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में आते हैं, मतलब कंडक्टर वे हुए जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे वे में। इंसुलेटर में होते हैं दोस्तों जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती, कंडक्ट नहीं की जा सकती, जैसे कि दोस्तों वुड। और इनके बीच में आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। तो अब बात करेंगे सेमी कंडक्टर की।
रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर। अभी देखो यहाँ पे उल्टा हुआ है, कैसे उल्टा हुआ, यहाँ पे दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने बात की 100 इलेक्ट्रॉन से या 1000 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए कोलैप्स होने के चांस बहुत कम होंगे और वे अपने पाथ में मूव करते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा उनको टेम्परेचर मिलेगा उतनी उनकी स्पीड बढ़ेगी। अब सभी का अपना एक डेफिनेट पाथ है, तो एक दूसरे के पाथ को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आई इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज विद टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय अलॉय इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो अलॉय होता है दोस्तों एक से ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा अलॉय का, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के बने होते हैं और मेटल्स क्या करते हैं दोस्तों, सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वही वाली बात आ जाती है कंडक्टर वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, चारों पॉइंट पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमने अभी देखा कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों A के। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दूंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे रो, और ये हो जाएगा दोस्तों L अपॉन A। यही रो को हमने बोला है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका रो एल अपॉन ए, तो ये है आपका रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई थिंक इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूनिट के ऊपर, तो हम बात करेंगे यूनिट का। तो देखो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट हो जाएगा इसका रो ए एल, ये यूनिट नहीं है ये डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन भी नहीं, इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों ओम, ओम को हम लिखेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब हम बात करेंगे नोट की, ये इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन जियोमेट्री ऑफ कंडक्टर। अभी हमने देखा दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी कंडक्टर की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, लेंथ विड्थ हाइट ये सभी चीज़ें, ठीक है, डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है दोस्तों टाइप ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो देखो सभी का एक अपना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इसलिए बोले हम क्योंकि सभी मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है। आप देखेंगे वाटर का अलग होगा, वुड का अलग होगा, सभी का अपना अपना एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर या गिवन टेम्परेचर पर एक रेजिस्टिविटी होता है, बस इतना समझ लीजिए और ज़्यादा इसमें जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों रजिस्टर, रजिस्टर क्या होते हैं, एक कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दोस्तों एक सर्किट है आपका, एक सर्किट है इस टाइप से, एक सर्किट है आपका और ये आपका कोई रजिस्टर है, ये आपका कोई रजिस्टर है, जैसे कि दोस्तों बल्ब,
जैसे कि दोस्तों फैन, ये सभी जितने भी डिवाइस होते हैं रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दोस्तों रजिस्टर। तो ये रजिस्टेंस पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रजिस्टर। रजिस्टर्स आर यूज टू मेक दोज इलेक्ट्रिक डिवाइस वेयर हाई रजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, वेयर हाई रजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। इट रिड्यूस करंट इन सर्किट। ठीक है, ये करंट को रिड्यूस करते हैं दोस्तों सर्किट में, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई रेजिस्टेंस पैदा करेंगे तो करंट रिड्यूस होगा। फैन को दोस्तों यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे प्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, फैन को हटा दीजिए, क्योंकि इसका काम रेजिस्टेंस पैदा करना नहीं होता है, बल्ब का काम रेजिस्टेंस पैदा करना होता है, प्रेस का काम रेजिस्टेंस पैदा करना होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों अलॉयस लाइक नाइक्रोम, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों मैं रेजिस्टेंस इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट नो डाउट दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका स्किप नहीं होगा आपके एग्जाम में, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तब दोस्तों सिक्योर हो जाते हैं। अब क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 2 या 3 मंथ पहले स्टडी करना चालू कर देते हैं, करते हैं, मतलब उनके पास इतना दिमाग है वे 2-3 महीने में सभी चीज़ें कर लेते हैं। बट दोस्तों सक्सेस टाइम मांगता है, इतने टाइम में आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 से 3 मंथ में देखो बहुत बड़ा सिलेबस है नॉन टेक का, वे शॉर्ट चीज़ें करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में हर बार फेल हो जाते हैं, पर एक बार अच्छे से सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हर बार 2 से 3 मंथ वेस्ट करेंगे, 4 से 5 साल तैयारी करेंगे और फिर अपने घर बैठ जाएंगे। और अगर एक साथ अच्छे से तैयारी करके 1 साल दे दिया जाए तैयारी को, उसके बाद दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम देखो निकाल दोगे। इसलिए दोस्तों डीप में चीज़ों को पढ़ो, टाइम एक बार दो, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दो आपका निकल जाएगा 100%। अब हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक कंपोनेंट यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, मतलब कोई सर्किट है उसमें हमने दोस्तों कोई एक कंपोनेंट यूज किया, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी डिवाइस यूज किया है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करे विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, मतलब V कांस्टेंट रहेगा, I चेंज होगा। तो अगर ऐसा कोई डिवाइस है कि I को चेंज कर रहा है विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर हम बात करेंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, इट इज ए डिवाइस used in electric circuit to change the resistance and hence the current in the circuit, मतलब इसका भी काम क्या होता है, देखो ऊपर तो हमने देखा variable resistance, अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों rheostat, ये क्या करता है resistance को change करता है, और resistance change होगा it means current भी change होगा दोस्तों। Generally rheostat acts as a variable resistance of known value in circuit, मतलब रियोस्टेट एक टाइप के वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि वे भी करंट को चेंज करते हैं, ये भी करंट को चेंज करते हैं दोस्तों, बट अंतर क्या है, डिफरेंस है दोस्तों इनका एक नॉन वैल्यू होता है, इनका एक नॉन वैल्यू होता है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं इसको रियोस्टेट। अब हम बात करेंगे गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर के बारे में। तो गुड कंडक्टर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कंडक्टर जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कैरी करते हैं उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। एक कंडक्टर और ए मटेरियल विच ऑफर लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज गुड कंडक्टर, मतलब जो कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जिसमें
फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करते हैं। वही बात है, आई ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल रेजिस्टेंस कम पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इनका एग्जांपल हो जाएगा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, आपने कहीं एग्जाम में देखा भी होगा। चलिए अब बात करते हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर किनको बोलेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों, जिनमें अच्छी तरह से करंट फ्लो नहीं होगा। ए कंडक्टर और ए मटेरियल विच ऑफर हायर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर। जैसे कि दोस्तों आयरन पूछ सकता है, आयरन कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है? आपने बताना है दोस्तों ये पुअर कंडक्टर। उसके बाद आता है दोस्तों इंसुलेटर। इसमें जो आई होता है वो जीरो होता है, तो आई जब जीरो होगा आर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। जब आई जीरो हो जाएगा तो आर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यही पैदा करता है, तो इसलिए दोस्तों इसमें आई जीरो होता है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, कैरी नहीं करते हैं, मतलब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाएंगे और दूसरे एंड पे देखेंगे वहाँ पे दोस्तों कोई भी करंट आपको फील नहीं होगा। तो जैसे कि रबर होती है, ड्राई वुड होती है। ड्राई वुड इसलिए बोला है दोस्तों क्योंकि अगर वेट वुड होगी तो उसमें तो दोस्तों क्या होगा उसमें, या ग्रीन वुड होगी उसमें सैप होगा, और सैप में दोस्तों क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और मिनरल से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो ये हुआ दोस्तों इंसुलेटर। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर, दीज आर द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दोस्तों इन बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, मतलब जो इनके इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। जैसे कि दोस्तों जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का क्या मतलब होता है? सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो ना के बराबर हो। व्हेन फ्यू मेटल्स आर कूल्ड, जब कुछ मेटल्स को ठंडा किया जाता है, देन बिलो ए सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, एक ऐसा सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, अगर उससे नीचे आप उसको ठंडा करते हैं, देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सडनली बिकम जीरो, उनका रेजिस्टेंस एकदम से जीरो हो जाता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, मतलब कंडक्टर बनाते हैं दोस्तों। सुपर कंडक्टर नेचुरली नहीं मिलता है आपको, इनको बनाया जाता है एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर, अगर उससे बिलो आप उसको ठंडा कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों मरकरी, मरकरी को अगर आप इस टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। लेड को दोस्तों इतने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कोई नहीं पूछेगा, बस सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन आपने ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ने होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले बताऊँगा। क्वेश्चन यहाँ से मतलब न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों दोनों कॉम्बिनेशन। एक होगा दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अगर एंड टू एंड कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए करके देख लेते हैं। ये देखो एक सेल है, यहाँ पे मैंने लगाया दोस्तों एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लगाया दूसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, ये रजिस्टर है दोस्तों, ये रजिस्टर है जिनका रजिस्टेंस है आर वन एंड आर टू। इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों वी। अब ध्यान देना दोस्तों, देखो ये एक पाइप है और इसका एक ब्रांच ऐसे चला गया दोस्तों, एक ब्रांच ऐसे चला गया। यहाँ से दोस्तों लेट्स सपोज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो है,
कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। सेम सिचुएशन किसके साथ होने वाली है? करंट के साथ होने वाली है दोस्तों, सेम सिचुएशन करंट के साथ होने वाली है। अब देखो वी क्या है दोस्तों, एक टाइप की एनर्जी है। हमने देखा था वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक टाइप की एनर्जी है ठीक है। और एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी को बना नहीं सकते और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं दोस्तों, ये यूज की जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एंड टू एंड करेक्शन है, यहाँ से दोस्तों वी एनर्जी इस सेल ने जनरेट की, तो ये वी एनर्जी कुछ इस टाइप से जाएगी, यहाँ पे जाएगी दोस्तों। अब कुछ एनर्जी तो ये कंज्यूम कर लेगा, कुछ एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ पे वी वन और यहाँ पे वी टू। फिर बात करेंगे हम आई के, आई के साथ क्या होगा, तो देखो दोस्तों अब आई क्या होता है, आई होता है दोस्तों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि एक ही पाथ है, पाथ डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के पास सेम इक्वल अमाउंट के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब है कि आई कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी सर्किट। तो यहाँ पे आई रहेगा और यहाँ पे आई रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे एक अलग रजिस्टर से, और वो रजिस्टर होगा दोस्तों कुछ इस टाइप से, जिसका रेजिस्टेंस होगा आर और वी एंड आई ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो आर आया है ये कितना आया है, इसको बोलेंगे दोस्तों आर इक्विवेलेंट। तो ये हम चेक करेंगे कि आर इक्विवेलेंट और आर वन प्लस आर टू में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम करने वाले हैं, यहाँ पे देखो V1 प्लस V2 में डिवाइड हुआ, तो V को हम क्या लिखेंगे, V को लिखेंगे V1 प्लस V2। अब देखो दोस्तों V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 को क्या लिख सकता हूँ, V1 को लिख सकता हूँ I1 R1 प्लस V2 को क्या लिख सकता हूँ I2 R2। जबकि I1 I2 सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, I कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2। V दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस R2। यहाँ से I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 ठीक है। तो ये आया दोस्तों इन केस ऑफ सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने निकालना है R इक्विवेलेंट तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V जाएगा, यहाँ पे V जाएगा, क्योंकि यूज करने वाला कोई नहीं है तो V कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ तक दोस्तों, यहाँ पे V को यूज करने वाला कोई नहीं तो इधर भी V जाएगा, इधर भी V जाएगा दोस्तों, और इधर भी V जाएगा, एनर्जी है। तो यहाँ पे देखो इसके पास V, V, V। अब I की बात करते हैं, I जैसे ही यहाँ जाएगा दोस्तों तो कुछ I इधर चला जाएगा, कुछ I इधर चला जाएगा, कुछ I इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा I1, यहाँ पे कितना होगा I2, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों I3 होगा। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वहीं पे दोस्तों I को हम क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं, I को क्या लिखते हैं, I को लिखते हैं दोस्तों V अपॉन R। तो ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसको लिखेंगे दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टर्म में, ये हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडक्टेंस क्या होता है। अब देखो ये आपने पहली बार सुना है तो ये आपकी गलती है, ये सभी चीज़ें NCERT में 10th के सिलेबस में दिया है। अब आप अगर कंडक्टेंस पूछ लिया जाए और आप बोलें कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, तो
आपने दोस्तों गलत बुक से पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, सिलेबस कितना भी हो सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस होता है दोस्तों 1/रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी। और एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ जिनको ये लगता है कि साइंस यदि पार्ट ऑफ जीके और बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये वहम अपना मन से निकाल देना। ALP का पेपर उठा के देख लेना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, ठीक है। ऐसे ही RRB JEE में भी साइंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों को करना है, साइंस अलग से दिया है तो बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंशन छोड़ दीजिए, अगर आप पूरे लेक्चर्स यहाँ पे फॉलो करते हैं तो हर एक चीज़ बताऊँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मिस ना करें। बायोलॉजी बिल्कुल फाइन तरीके से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री बिल्कुल फाइन तरीके से पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में कराने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने दोस्तों प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके आप सोम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी PDF हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप पे मिलेगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू एनी डाउट, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9568738917। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।